जैसे 1 आवर्स में आपको ये मशीन 100 kg तक का प्रोडक्शन दे सकती है। अच्छा अच्छा, वो सोच के हम लोगों ने ये मशीन बनाया। आप इसको 12 घंटे भी चला सकते हो, 24 घंटे भी चला सकते हो। इसका कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है कि आपको 6 घंटे चला के गर्म हो जाएगी, खड़ी कर दो। आप इसको 24 घंटे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये फिनिशिंग पूरा हो चुका है सर। ये चना में से चना दाल बन चुका है। अच्छा अच्छा, ये है अपना अपने मशीन का पूरा आउटपुट जो आप मार्केट में जाने के लिए रेडी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चना डालना है, सीधा यहाँ से चना जाएगा। आपको ये स्लेट खोल देना है, एक इंच के करीब करीब यहाँ से चना क्रश होके इसका कवर उतरेगा। इसमें कवर उतरने के बाद यहाँ पे इस तरीके का आपको दाल निकल जाएगा। एक तो ये ओवरफ्लो का नली आता है जो इसके अंदर माल जाता है, उसमें से जो दाना बचेगा वो निकलेगा। दूसरे में आपको कैटल फीड निकलेगा पाउडर वाला। तीसरे में आपको निकलेगा एक बारीक टुकड़ा जो होता है दाल का वो। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश रहने वाला है। अगर आप लोग भी चाहते हैं दाल मिल का बिजनेस शुरू करना तो कैसे करेंगे, हम लोग आज की इस वीडियो में यही पूरा डिटेल जानने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आप लोग को लेकर आ गया हूँ महाराष्ट्र के अकोला में। और जैसा कि आप लोग को पता है, जो हम लोग का अकोला क्षेत्र है, यहाँ पर जो दाल मिल की जो फैक्ट्री है काफ़ी ढेर सारा देखने को मिलेगा। उसी फैक्ट्री से हम लोग एक विजिट कराए नटराज इंजीनियरिंग वर्क में, जहाँ पर यह जो मशीनें हैं बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं। कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा सब कुछ जानेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मिनी दाल मिल मशीन के होलसेल विक्रेता ये जो है रहने वाले हैं। इनका जो पूरा फैक्ट्री आउटलेट है, हम लोग पूरा घूमेंगे, जानेंगे कैसे क्या रहने वाला है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इनसे जुड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करना, एक छोटा सा मिनी दाल फैक्ट्री बैठाना, तो कैसे करेंगे, कैसे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर जो आउटलेट है, व्यू है, देखते हैं, जानते हैं कि हम लोग का जो मशीन है किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कैसे बन रहा है। और यहाँ के जो ऑनर है सर है, उसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग जो कंपनी के ऑनर है सर है उनके पास आ चुके हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देख पा रहे हैं जो हमारे सर है मौजूद है। सर कैसे है? बस सबसे पहले आपको नमस्कार सर, आपको भी। तो सर सबसे पहले हमको ये बताइए, अभी हम लोग अकोला में कहाँ मौजूद है? अकोला में आप हो एक MIDC इंडस्ट्रियल एरिया जिसे बोलते हो जी। आप उसमें हो 4 नंबर फेस में, प्लॉट नंबर है N115/3 में, नटराज इंजीनियरिंग में। अच्छा अच्छा, तो बात करते हैं ये जो नटराज इंजीनियरिंग है, कब से इस फील्ड में काम कर रहा है और कौन कौन सा जो मशीनें हैं मैन्युफैक्चरिंग करता है? हम लोग सर देखिए 25 साल से ये मशीन के लिए वर्किंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है दाल मिल मशीन, आटा प्लांट और बेसन प्लांट, ये सारी चीजें मिनी मशीन में बनाते हैं। अच्छा अच्छा, और आपको अगर बड़ा भी प्लांट लगवाना है तो वो भी हम लगवा के देते हैं, पर वो हम लोग ऑर्डर के हिसाब से ही बनाते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मशीनों का, तो मशीनों में भी क्वालिटी होती होगी, तो कैसे जो हम लोग क्वालिटी है पहचानेंगे? आप लोग यहाँ पे आके भी क्वालिटी चेक कर सकते हो, या तो आप लोग हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसे आप कॉल करोगे नीचे दिए गए नंबर पे, आप उसमें भी कॉल करके उससे जानकारी ले सकते हो, फोटो बुला सकते हो, वीडियो बुला सकते हो, और सारी जानकारी आप उनसे ले ही सकते हो। अच्छा, कौन कौन सा जो मॉडल है इसमें सर देखने को मिलेगा? अभी इसमें 3 मॉडल आपको देखने को मिलेगा, एक 3 HP मॉडल होता है, एक 5 HP होता है, और एक 7.5 HP होता है। अच्छा अच्छा, और इसमें हम लोग पूरा प्लांट भी सिस्टम करते हैं, और वो भी सारी जानकारी हम लोग आपको अंदर जाके देने वाली है। अच्छा अच्छा ठीक है। उससे पहले यहाँ पर जो हम लोग का मटेरियल वगैरह रखा हुआ है, तो सर अभी ये जो मटेरियल है मतलब क्या करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? अभी मतलब जो फिनिशिंग वगैरह है अभी हो चुका है? ये फिनिशिंग पूरा हो चुका है सर। ये चना में से चना दाल बन चुका है। अच्छा अच्छा, ये है अपना अपने मशीन का पूरा आउटपुट ठीक है, जो आप मार्केट में जाने के लिए रेडी है अभी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक पूरा बने रहे, अभी हम चलेंगे जो मशीन है ठीक है, कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, फिनिशिंग वगैरह क्या आने वाला है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मशीन पर। हम लोग मशीन के सेटअप पे आ चुके हैं, अब हम लोग एक एक करके पूरा जो डिटेल है जानने वाले हैं। तो सर सबसे पहले बात करते हैं, तो ये जो मशीन है हम लोग का कितने HP का रहने वाला है? ये मशीन आपको आएगा 3 HP का। अच्छा। जो सिंगल फेज आपके जो घर का लाइट होता है उस पे वर्किंग करेगा ये मशीन। तो दोस्तों आप लोग पूरा जो मशीन है इसका वर्कराउंड देख पा रहे हैं, व्यू देख पा रहे हैं, या जो मशीन है हम लोग का किस तरह से क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। तो सर हम लोग इसमें किस किस प्रकार का जो दाल है निकालने वाले हैं? आप इसमें चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, बरबटी दाल, ऑल इन वन दाल आप इसमें निकाल सकते हो। कोई ऐसी दाल नहीं है जो ये मशीन आपको निकाल के ना दे। कितने बाय कितने के एरिया में इसको हम लोग? आप देख पा रहे हो सर जो मशीन है, एक 4 फीट के करीब करीब मशीन है,
आप इसको 10x10 के रूम में भी लगा के आपका सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। जैसा आप घर के आंगन में भी रख दोगे तो ये मशीन वर्किंग कर लेगी, आपको कोई अलग से उसके लिए जगह नहीं बनवाना है या अलग से गोडाउन नहीं बनवाना है, सारी चीजें आपके घर के अंदर अंदर ही हो जाएगी। और सर हम लोग इसमें जो मोटर वगैरह यूज कर रहे हैं, मोटर कौन सा रहेगा और हम लोग इसमें जो बिजली यूज करेंगे कौन से बिजली पर हम लोग इसको चला सकते हैं इस मशीन को? आप ये मशीन जो है वो सिंगल फेस 3 HP का जो बिजली होता है उस पे आप इसको आसानी से हैंडल कर पाते हो। अगर सर इस लाइन में कोई नया है तो सबसे पहले बता रहा होगा कि ये कौन सा मशीन है, ठीक है, कैसे हम लोग चलाएंगे, कैसे इस पे काम करेंगे, तो हमको पूरा डिटेल में इस मशीन के बारे में बताइए कि हम लोग क्या क्या इसमें यूज किए हैं और कौन कौन सा जो इसमें, ठीक है, सेटअप वगैरह है लगा हुआ है। आप लोग नए हो ये सही बात है जी, तो वही चीजें हम लोग ने सोच के ये मशीन बनवाया है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चना डालना है, सीधा यहाँ से चना जाएगा, आपको ये स्लेट खोल देना है 1 इंच के करीब करीब, यहाँ से चना क्रश होके इसका कवर उतरेगा, इसमें कवर उतरने के बाद यहाँ पे इस तरीके का आपको दाल निकल जाएगा। अच्छा, ये जो दाल है ये दाल एलिवेटर उठा के सीधा ग्रेडिंग सिस्टम में देगा, वो दाल में आपने जो देखा कवर उसमें जो टुकड़ा वो सारी चीजें, ये जो ग्रेडर होता है ये ग्रेडर आपको सारी चीजें अलग करवा देगा। अच्छा, तो सर हम लोग को यहाँ पर मतलब नली देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा? ये देखो इसमें आपको जो 5 नली दिया हुआ है, एक तो ये ओवरफ्लो का नली आता है जो इसके अंदर माल जाता है, उसमें से जो दाना बचेगा वो निकलेगा, दूसरे में आपको कैटल फीड निकलेगा पाउडर वाला, तीसरे में आपको निकलेगा एक बारीक टुकड़ा जो होता है दाल में का वो निकलता है, चौथे में आपको एकदम फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, और पांचवे में आपका जो उसमें बचा हुआ चना रहेगा वो अलग निकल जाएगा, उसको आपको उठा के वापस वही सेम प्रोसेस करना है। अच्छा अच्छा, जब तक दाल ना बने तब तक। और इसमें हम लोग जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं तो प्रोडक्शन कितने घंटा में और मतलब कितने आवर में कितना निकल जाता है? 1 आवर में ये जो मशीन दिया है आपको देखने में छोटा लग रहा है जी, पर ये मशीन आपके सोच से ज्यादा निकालने वाली है। जैसा 1 आवर में आपको ये मशीन 100 kg तक का प्रोडक्शन दे सकती है। अच्छा अच्छा, वो सोच के हम लोगों ने ये मशीन बनाया है, मतलब 1 घंटा में 100 kg आप, हाँ, 1 क्विंटल आप माल बना सकते हो 8 घंटा में, 8 क्विंटल माल बना के आपका माल मार्केट में सेल कर सकते हो। मतलब वो अपने ऊपर है कि हम लोग कितना काम कितना घंटा कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप इसको 12 घंटे भी चला सकते हो, 24 घंटे भी चला सकते हो, इसका कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है कि आपको 6 घंटे चला के गर्म हो जाएगी खड़ी कर दो, आप इसको 24 घंटे चलाओ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मशीन को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद कोई और इसको सेटअप है लेना पड़ता है क्या? इसके बाद देखो, इसके बाद अगर आपके एरिया में जो दाल होती है वो दाल अगर मट्टी वाली होती है, कंकर वाली होती है, कोई चीजें उसमें लकड़ी वगैरह आती है, तो वो क्लीन करना होता है। अच्छा, कोई भी चीज अगर आपको प्रोडक्शन बनवाना है तो आपको पहले क्लीन करना होता है, तो एक क्लीन के लिए आपको ग्रेडर लेना होता है। अगर सपोज ये दाल बनने के बाद अगर पाउडर आ रहा है, दाल का एक कलर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक पॉलिश मशीन लेना होता है। अच्छा, अच्छा। जो दाल को आपको पॉलिश कर देगा। अब ये मशीन मैनुअल मशीन होती है, जैसा ये प्रोसेसिंग मशीन है। अच्छा। इसका प्रोसेस ऑयल पानी लगने के बाद जो माल आता है उसको सुखाना पड़ता है आपको, उसके बाद मशीन में डालना होता है, तो उसके लिए आपको ड्रायर लेना होता है ऑटोमेटिक में अगर करना है आपको। अगर बाहर आपके पास जगह है तो आप उधर भी सुखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी मशीन पूरा एक ही मशीन आपको दाल बना के दे सकता है। और हम इसमें जो रॉ मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं तो सर मतलब वो अगर किसी अगर कोई चाहता है मतलब सस्ते से सस्ते में परचेस करना, ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है? अगर कोई चाहता ना खुद का ब्रांडिंग करके सेलिंग करना तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको आपका ब्रांड बनवाना है तो आपको जो नाम से ब्रांड बनवाओगे, जो एड्रेस रहेगा, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। हम 1 किलो से 1.5 किलो से 1 किलो तक हमको आपको पाउच भी देंगे, यहाँ से आप सीलिंग मशीन जो आती है वो भी देंगे। आपका जो रॉ मटेरियल खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कौन आपको दे सकता है, आपके एरिया में ही आपको ढूंढ के वो लोग हम आपको दे सकते हैं। और इस मशीन के अंदर कितने लोग जो लेबर है काम करने वाले हैं? इसमें ये मशीन आप देख पा रहे हो अभी छोटा मशीन है, इसमें एक ही वर्कर में आपका काम पूरे दिन भर एक ही वर्कर आपका पूरा काम करवा देगा। जैसा 8 से 10 क्विंटल एक लेबर को दिन भर 8 घंटे तक उठाना और पटकना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो आदमी भी आपके पास फ्री ऑफ बढ़िया काम कर पाएगा, ज्यादा लोड भी नहीं आएगा उसमें। तो सर जैसे कि हम लोग वहाँ पर जो अपना डाल दिए, ठीक है, वहां से निकल रहा है, निकलने के बाद हम लोग का जो कचरा वगैरह होता है तो इसमें जो कचरा निकल रहा है उसका कोई यूज रहता है क्या? हाँ, ये देखो यहाँ से कचरा निकलेगा और यहाँ से कचरा निकलेगा। अच्छा अच्छा, और कचरा जो होता है वो कचरा यानी लकड़ी मट्टी पत्थर ये चीजें नहीं होती है, वो दाल के ऊपर का कवर ही होता है। अच्छा,
जो दाल होती है उससे ज्यादा प्रोटीन वो कवर में होता है, तो वो कवर का आप अगर 30 किलो 50 किलो की बैग करके कैटल फीड में बेचोगे तो वो भी आपका अच्छा रेट में बिक जाएगा। एक ही मशीन से आपका दो प्रोडक्शन बन जाएगा, मतलब दो जो अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा एक ही मशीन से आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं सर आप लोग अपना डीपली में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं क्या कैसे है, ठीक है। अगर आप लोग दाल निकालेंगे तो दाल निकालने के साथ साथ आप लोग जो दूसरा मटेरियल है वो भी तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। सर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह क्या इसमें देखने को मिलेगा? इसमें देखो अगर आप एक कुंटल माल डालते हो तो उसमें आपको 80 किलो दाल मिलेगा। अच्छा। वो 80 किलो दाल अगर आप मार्केट में बेचते हो तो आपको एक कुंटल के पीछे 2000 रुपए का प्रॉफिट बचने वाला है। और एक मिनिमम जो प्रॉफिट होता है वो 2000 का बचेगा। आप 2000 छोड़ के 1000 रुपए का भी प्रॉफिट लेके चलते हो तो मैक्सिमम आपका 10 घंटे में 10 कुंटल दाल बनेगा तो 10,000 रुपए पर डे आप ये मशीन से कमा सकते हैं। सर मार्केट के अंदर जो हम लोग का दाल है कई टाइप का आता है, ठीक है, तो मतलब जो बेस्ट दाल है अगर कोई इसमें निकालना चाहता है अच्छे से अच्छा, तो उनके लिए क्वालिटी वाइज कैसे क्या निकलता रहेगा? क्वालिटी आपको बेस्ट जो मार्केट की क्वालिटी आएगी वही क्वालिटी आपको यहाँ पे इस मशीन से मिलने वाली है। कोई आपको क्वालिटी में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। आप खुद आके माल बना के जाइए या आप मशीन आने के बाद हमारा आदमी बुलाइए वहाँ पे, वो आदमी भी आपको दाल बना के देगा। जो मार्केट क्वालिटी है वही क्वालिटी आपको मिलने वाली है। इसमें जो हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं तो जो इसमें बिजली का खर्चा कितना देखे? वो एक दिन में आपको खर्चा पड़ेगा सर एक मैक्सिमम 150-160 रुपए के करीब करीब बिजली जलती है पर डे। मशीन के अंदर जो हम लोग गारंटी वारंटी देख रहे हैं तो वो तो एक साल की गारंटी वारंटी हम लोग पूरे मशीन में देते हैं, जो भी आप मशीन लोगे मोटर मशीन सारी चीजों, ठीक है। और सर्विस वगैरह अगर कोई मशीन को परचेस कर लेता है, ठीक है, परचेस करने का क्या प्रोसेस रहेगा और सर्विस क्या देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से? परचेस करने के लिए जो हमारे आपके स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं हमारे नटराज इंजीनियरिंग के, वहां पे आप सुबह 9 से रात को 6 बजे तक कॉल करके इसकी जो जानकारी हमसे छूट गई है अभी वीडियो में डलवाना वो आप जानकारी और ले सकते हो। और इसका जो भी वीडियोज फोटोज क्या नया अपडेट है, क्या प्राइस में चेंजेस है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने बोल दिया इतने का मशीन है और आपको इतना ही देना है। आपको जो भी कम ज़्यादा करवाना है वो सारी चीज़ें आप नीचे दिए गए नंबर पे करवा सकते हो जी। और ये इसको बुलवाने के लिए आपको हमारा इंडिया मार्ट में भी एक साइट है, वहाँ पे जाके पेमेंट ऑप्शन है, वहाँ से भी करवा सकते हो या तो हम लोग आपको कोटेशन भेजेंगे उसमें भी हमारा नंबर आता है, कंपनी का अकाउंट नंबर आता है, वो वहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हो। और सिर्फ ये मशीन आपको डेली नहीं मिलेगा, जैसा आपने आज कॉल किया तो आज ही नहीं मिलेगा क्योंकि मशीन है नया तो ये बनवाते हम लोग भी थक रहे हैं, बन के बिक रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो ये आपको पहले ऑर्डर दे, हाँ ये आपको पहले ऑर्डर देना होगा, एक 10-5 दिन के बाद में आपको ये मशीन मिलने वाला। तो सर जैसे कि हम लोगों ने बात किया था तो आप बताए थे कि हम मतलब मशीनों के होलसेल भी करते हैं, तो अगर कोई चाहता है ट्रेडिंग वगैरह करना आपसे जुड़ेगा तो उनके लिए क्या कैसे जो आपका सिस्टम है रहेगा? देखो ट्रेडिंग की जो बात आती है, अब हमारा प्रॉफिट कम करवा के हमें उन्हें प्रॉफिट देना होता है तो वो सीधा एक काम करे, हमारा नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कंपनी विजिट कर ले तो उनको हम अलग से एक सोल्यूशन दे के वो काम करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप ऐसा ही, ठीक है, एक नया नया रोजगार है अपने कंपनी के माध्यम से देते रहिए हमारे व्यूअरों के लिए, भाई के लिए। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोग, ठीक है, कहीं से भी देख रहे हैं इंडिया में तो आप लोग को ऑल इंडिया यह जो मशीनरी है डिलीवरी रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग को जो सर है डिटेल में बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं क्या कैसे जो मटेरियल वगैरह निकलता है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ बताए हैं, ठीक है। अगर आप लोग को और कुछ भी जानना है तो जो स्क्रीन पर नंबर मेंशन किया गया है आप लोग उस पर फटाफट कॉल घुमा सकते हैं। यहाँ के जो भी, ठीक है, इनके एम्प्लॉय हैं, आप लोग का जो है सपोर्ट करेंगे। सर अगर कोई मशीन लेता है तो मतलब महाराष्ट्र में कहाँ पर आना पड़ेगा आपको? महाराष्ट्र में अकोला आना होता है आपको, जो नागपुर के बाजू में एक सिटी है अकोला करके, तो वहाँ पे आके आप हमें कॉल कीजिए, हमारा बंदा आपको लेने स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, कहीं पे भी जहाँ पे आप हो वहाँ से आपको पिकअप किया जाएगा कंपनी तक। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलेगी जैसा आप देख ही पा रहे हो। जी जी। बाकी यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया सब कुछ घूमिए, देखिए हाँ। क्या कैसे रहने वाला है, ठीक है, आप लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो वीडियो है दाल मिल का काफी अच्छा लगा होगा। यह वीडियो यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं देख रहे हैं फॉलो करिए, सपोर्ट करिए उन लोगों तक जो लोग चाहते हैं एक अपना खुद का, ठीक है, व्यवसाय शुरू करना। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कम बजट में अच्छा बिजनेस मिलने वाला है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपके ये एरिया, ये बिजनेस जो है इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई चीज की आपको ये नहीं है कि आपको
इसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। आप बिहार रहो, राजस्थान रहो, गुजरात रहो, एमपी रहो, कहीं भी रहो, आपके घर पे ये मटेरियल अवेलेबल, बस ये जो मशीन है रहना चाहिए, बस ये मशीन रहना चाहिए आपके पास। बाकी अगल बगल जो भी लोग हैं सब आपको रॉ मटेरियल मिलेगा भी, आप बेच भी आसानी से पाओगे इसे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।